नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की। आपकी स्क्रीन पर ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और इसमें एक चीज़ बहुत टाइम से चल रही है जो रोज़ मैं आपको बताता हूं कि क्रूड ऑयल अभी डायरेक्शन लेस मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है। ये अगर ऊपर में ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा और नीचे में ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। ये एक डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या शायद हमें जो समझ में आएगा कि डायरेक्शन क्या है इसकी, उसे एक एनालिसिस बनाने के लिए, एक एक परफेक्ट एनालिसिस बनाने के लिए हमें उस लेवल का वेट करना है जिस तरफ ये जाएगा। देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होंगी। मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करके। डेली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कई दिनों से कि क्रूड ऑयल जो है वो एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है, किस चीज़ का नहीं कर रहा, वो मुझे नहीं पता, पर बहुत ही एक नैरो रेंज में है। अगर ऊपर में ब्रेक होता है तो इसमें बहुत एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि 42.50 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है और वहां अपने आप को सस्टेन कर लेता है और फिर एंड ऑफ द वीक इसकी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और ये मार्केट अपना पूरा का पूरा सपोर्ट जो है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ या मतलब फ्यू वीक्स, ये अपना सपोर्ट जो है वो $36 के ऊपर ऊपर कहीं पर ये बना लेगा। ये मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ एक ओवरऑल ट्रेंड की जो क्रूड ऑयल में आगे हम देखेंगे, ठीक है, जो आगे का इसका ट्रेंड रहेगा। देखिए, डेली चार्ट्स पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरीके से, देखिए कितनी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। पहले जो अगर मैं अप्रैल से बात करूं तो इस तरीके के ये डेली कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बनती थी और उस ये ट्रेंड हमने देखा लगभग यहाँ तक, जितना ये अब आगे को चल रहा है इसमें डॉट डॉट से क्रिएट हो रहे हैं। ये डेली की कैंडल है, मतलब एक दिन में क्रूड ऑयल की जो मूवमेंट है वो ऊपर और नीचे में इतनी रही है। बहुत ही बारीकी से हमें समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों को कि क्रूड ऑयल जो है अभी वो डायरेक्शन लेस है। देखिए, अगर मैं चार्ट्स की बात करूं इसके डेली चार्ट्स पे तो एक इस तरीके का कर्व ज़रूर बन रहा है। ये कर्व या तो इसे इस तरीके से नीचे ले आएगा, पर जिस तरीके से इसने यहाँ पर सस्टेन किया हुआ है तो ये भी हो सकता है कि इस कर्व को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एकदम से इसमें एक जंप आएगा जो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमें उसी चीज़ का वेट करना है कि क्या ये ऊपर की तरफ ये जंप लगाएगा या फिर नीचे में आएगा। तो 42.50 का आप वेट कीजिए कि वो लेवल ब्रेक होता है नहीं होता। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमें क्रूड ऑयल का जो एनालिसिस है वो हमें देखना है, ट्रेंड देखना है तो। और अगर हम इंट्राडे अभी इसको जज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं इसका, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें अभी जैसे ये थोड़ा सा अब इसने सपोर्ट लिया है नीचे में, पर अगर ये इसे एक्सटेंड करते हुए इस सपोर्ट में एक बाउंस जो आ रहा है, अगर वो बाउंस एक थोड़ी सी और तेज़ी दिखाता है और ये $41 को अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें इंट्राडे में हमें बिल्कुल इसमें एक अपनी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए जिसमें हमें एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये आज ये कॉल हमारी जनरेट होती है या कल होगी ये अभी कहना मुश्किल है कि ये जो नैरो रेंज में जो ट्रेड कर रहा है वो अभी आज ही कर रहा है या फिर आज इसी रेंज के बीच में क्लोज़ हो जाएगा और कल तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा हूँ इसकी एक्सपायरी अब ज़्यादा दूर नहीं है तो ये किसी एक ट्रेंड को लेके उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करके इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करता है तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए इसका ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। इस लेवल के बीच में $35-$36 के अराउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और क्रूड ऑयल जो है फिर ऊपर के लेवल में अपने आप को बहुत इजीली सस्टेन कर लेगा, ठीक है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ थोड़ा आगे का व्यू लेके, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते में एक आपको एक अच्छी जंप देखने को मिल सकती है। हो सकता है $50 के ऊपर हमें बहुत इजीली इसका जो लेवल है वो देखने को मिल जाए, पर उससे पहले ये इन डॉट्स को कब तक ये जनरेट करता रहेगा डेली बेसिस पे वो हमें देखना होगा। आइए अब बात करते हैं फिर से 15 मिनट की। देखिए, इसमें आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल ने
नीचे के लेवल पे यहाँ पर सस्टेन ज़रूर किया था, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे। देखिए जब किसी चार्ट में, किसी स्क्रिप्ट में अगर कोई टर्न आना शुरू होता है ना, तो तब भी ऐसा ही होता है। मार्केट बहुत ही एक मूवमेंट ऐसी बना रहा होता है, डाउनसाइड शायद आपको पता भी नहीं चलती और फिर वो एकदम से क्रैश हो जाता है। तो अभी इसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर ये ऊपर जाना है इसने, तो ये 41 डॉलर, जैसे ही ये क्रॉस करेगा 41 डॉलर, इसमें आप आज में आप एक अच्छी जंप देख सकते हैं। तो आप इस चांस को मिस मत कीजिएगा। 41 डॉलर ब्रेक करता है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर ये एक अच्छी जंप दिखाता है तो उसे आप कैरी ओवर करिए। स्टॉप लॉस मैं आपको बताता रहूँगा डेली बेसिस पे, वेट कीजिए कि इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर में बताया। नीचे में लेवल है 39.55, ठीक है। नीचे में अगर ये 39.55 ब्रेक करता है तो हमें इसका वेट करना है, और अगर ये तब तक ऊपर में 41 डॉलर ब्रेक कर देता है तो हमें कहाँ का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, कहाँ का नहीं। हो सकता है 40 डॉलर का मेंटेन करना पड़े, इट इट विल बी मोर देन सफिशियंट, क्योंकि एक जो जंप आएगी फिर इस लेवल से, इसमें जो सपोर्ट आना शुरू है, और अगर 1% चांस मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 41 डॉलर के ऊपर अगर इसमें कोई जंप आती है और उसके बाद मार्केट में, देखिए आज तो खैर ये वाला फिर लो नहीं तोड़ पाएगा अगर 41 डॉलर ऊपर में तोड़ता है तो, पर इन केस अगर कल को कोई मार्केट का ट्रेंड ऐसा बनता है कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आना शुरू करता है, तो इसमें जो सेलिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ सकती है, क्योंकि ये फिर फेल हो जाएगा 42.50 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दिखाने के लिए। तो यही मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाह रहा हूँ जिनका आपको ध्यान में रखना है। नीचे में अभी 1 डॉलर और नीचे, ऊपर में आधा डॉलर और अभी ऊपर, ये 1.5 डॉलर की अभी इसकी रेंज है, 1.5 डॉलर की ये रेंज है, इसके बीच में ये ट्रेड कर सकता है। आपको दोनों लेवल को आपका आपका ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। तो कुछ कन्फ्यूजन होगी आप @MarketReport08 पे मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, कुछ आपको पूछना वहाँ पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैंने ब्रॉडकास्ट में जिन्होंने मुझे नंबर दिए थे, मैंने उनका नाम लिस्ट में ऐड कर लिया है। बाकी अगर आपको भी देना हो, नंबर देना हो, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा उस पर। वीडियोस के थ्रू मैं आपको इस तरीके से अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा WTI क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।